दोस्तों अभी हाल ही में मैंने स्किन शाइन क्रीम की एकदम डिटेल से कंप्लीट जानकारी दी थी, जिसे आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन मुझे कुछ दिनों से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर स्किन शाइन क्रीम को फेयर एंड लवली क्रीम के साथ मिक्स करके लगाने से क्या इसका साइड इफेक्ट कम हो जाता है। तो दोस्तों इसका सीधा जवाब है हाँ, स्किन शाइन क्रीम को फेयर एंड लवली क्रीम के साथ मिक्स करके लगाने से स्किन शाइन क्रीम के कारण जो स्किन में रेडनेस की प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है। दोस्तों फेयर एंड लवली ही नहीं, आपके पास चेहरे पर लगाने वाली कोई भी क्रीम या मॉइस्चराइजर पड़ी हो, चाहे वो वैसलीन ही क्यों ना हो, अगर आप स्किन शाइन क्रीम को उसमें भी मिक्स करके अपने चेहरे पर लगाते हैं तो आपको रेडनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जान लेते हैं इसका रीजन क्या है। दोस्तों जब हम स्किन शाइन क्रीम को डायरेक्ट अपने फेस पर लगाते हैं तो हमारी स्किन कुछ ही दिनों में एकदम गोरी तो बन जाती है, लेकिन इसके रेगुलर इस्तेमाल से हमारी स्किन में रेडनेस की प्रॉब्लम होने लगती है, जिसे रोकने के लिए स्किन शाइन क्रीम को मॉइस्चराइजर या नाइट क्रीम के साथ मिक्स करके लगाया जाता है। और जब हम स्किन शाइन क्रीम को किसी अदर स्किन केयर क्रीम के साथ मिक्स करते हैं तो स्किन शाइन क्रीम की जो स्किन को फेयर बनाने की जो पावर होती है वो अदर क्रीम में मिलाने से कम हो जाती है, जिससे स्किन शाइन क्रीम ये हमारी स्किन में स्लोली वर्क करने लगता है, जिस वजह से इससे होने वाली स्किन रेडनेस की प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये तरीका स्किन शाइन क्रीम को लगाने का नहीं बल्कि स्किन शाइन क्रीम को छोड़ने का है। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा, स्किन शाइन क्रीम ये हमारे त्वचा के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों आपको शायद याद होगा, मैंने स्टेरॉइड क्रीम को छोड़ने के लिए आज से 1-1.5 साल पहले यही तरीका बताया था, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो तरीका देख सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग आजकल इसी तरीके को यूज करके स्किन शाइन जैसी हाइड्रोक्विनोन एंड स्टेरॉइड क्रीम को यूज कर रहे हैं, जो कि एकदम गलत है। दोस्तों कुछ यूट्यूबर यूट्यूब में ऐसे हैं जो अपने वीडियो को वायरल करने के लिए ऐसे खतरनाक स्टेरॉइड क्रीमों को स्किन व्हाइटनिंग के लिए यूज करने की सलाह देते हैं, जबकि सच्चाई तो यही है कि वो खुद ऐसी क्रीम को यूज नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने वीडियो को वायरल करने के लिए दूसरों की स्किन को खराब करते हैं। दोस्तों आप स्किन शाइन क्रीम को फेयर एंड लवली क्रीम के साथ यूज करें या वैसलीन के साथ यूज करें, रेडनेस की प्रॉब्लम तो कम होती है ये पक्की बात है, लेकिन लास्ट में ये क्रीम आपकी स्किन को खराब करेगी ये भी पक्की बात है। बाकी इसे यूज करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करें। थैंक यू।